ये बुलेट पर काफी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं इस टाइम। तो राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया सकलात्रा में स्वागत है। तो जोधपुर सिटी से थोड़ा सा मैं बाहर एक गांव है, उसी गांव में हूँ और नाइट स्टे में किया था। एक आश्रम है, आश्रम के नाम है बाबा रामदेव जी मंदिर। और ये आश्रम अगर आप भी आते हैं ना राजस्थान, तो बाबा रामदेव जी का मंदिर जहाँ भी देखें वहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। और आज मैं कितना दूर जाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज कम से कम 100 किलोमीटर तो मुझे जाना ही है। और कल लगभग मैं 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाया, और जो मेरा कल साइकिल ख़राब हुआ था ना, कल चूना मुझे लगा कितना पता है, 800 रुपया। 900 रुपये बोल रहे थे लेकिन फिर अपने 100 रुपये कम कर दिए और कम से कम 800 रुपये चूना लगा। और ये है आश्रम, इधर स्नान करने का जगह था, तो स्नान भी कर चुका हूँ। अब निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। हर हर महादेव। तो सुबह के बज चुकी है 8 और अभी मैं अपनी यात्रा पर निकल चुका हूँ। और काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि मैं सुबह ना उठा था 5:30 बजे इसी चलते। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 4 बजे उठने के लिए, लेकिन नींद टूटता है लेकिन फिर सो जाता हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, आज की यात्रा करते हैं प्रारंभ। हर हर महादेव। तो सुबह के बज चुकी 10 और अभी मैं बस स्टॉपेज था ना, वहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ। और आज मैं एक ऐसा प्लेस जा रहा हूँ जहाँ की हिस्ट्री कहानी सुनकर ना आप भी दंग रह जाएंगे। और दुनिया में एक ऐसा मंदिर है, वो राजस्थान में है, और वहाँ की कहानी सुनकर ना मैं साइकिल पकड़ा और निकल पड़ा उस मंदिर की ओर, जहाँ की कहानी सुनकर हर एक इंसान दंग रह जाते हैं और मैं भी दंग रह गया। और जो पहली बार सुनता है ना, वो भी सोचता है ऐसा भी हो सकता है, वो भी इस समय में। तो चलते हैं, वहाँ की स्टोरी वहाँ जाने के बाद ही बताएंगे। लेकिन ना वीडियो काफ़ी मज़ा आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो अभी इंटर करने वाला हूँ रोहट सिटी, और एक बड़ा सिटी है, तो इंटर कर ही चुका हूँ। तो यहाँ पर है ये बुलेट। पर काफी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं इस टाइम। तो अब निकलते बाहर और काफी से काफी भीड़ है। तो ना दर्शन करके आ चुका बाहर, यहाँ पर काफी लोग हैं और काफी श्रद्धालु आए हैं, देख सकते हैं आसपास पूरा गाड़ी गाड़ी बस ही बस खड़ी है। और इसका कहानी ना रोचक है, वो मैं रास्ते में जाकर बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो अब बात करते हैं उस मोटरसाइकिल के बारे में, जो इस मोटरसाइकिल को लोग पूजा कर रहे थे, और उनका कहानी एक बहुत रोचक कहानी है और काफ़ी मज़ेदार कहानी है। तो मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, जो बुलेट देखे उनका ओनर का नाम था ओम सिंह राठौर। तो अपने ससुराल से एक दिन अपने गांव आ रहे थे, तभी जिस स्थान पर बुलेट है ना उसी स्थान पर एक्सीडेंट हो गया था, और उसी समय ओम सिंह राठौर को मौत हो गया। और जो बुलेट था वो रोहित थाना के प्रशासन बुलेट अपने थाना ले गए, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी स्थान पर बुलेट दिखाई पड़ा जिस स्थान पर वहाँ पर
राठौर जी का मौत हुआ था। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले फिर अपने थान लेके चल गए, फिर देखे दूसरे दिन कि वहीं पर था। इसी तरह तीन दिन बुलेट जहां पर उनका मौत हुआ था राठौर जी का, वहीं पर बुलेट मिलता था। लेकिन चौथा दिन पुलिस वालों ने जंजीर से बांध दिए थे बुलेट को, लेकिन जैसे बांधे जैसे ताला लगाया जंजीर से जंजीर में, उसी समय अपने आप ताला खुला, जंजीर खुला और अपने आप चलकर उसी स्थान पर बुलेट आ गया जहां पर राठौर जी का मृत्यु हुआ था। तभी गाँव वालों ने सोचा कि ये चमत्कार है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे, लाखों भक्त आने लगे। और अभी भी देखे होंगे कितने सारे भक्त थे, काफ़ी सारा बस थे। और उस दिन से वहाँ पर बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ, ना उस दिन से कभी किसी का मृत्यु हुआ। और ये कहानी था 1988 का, और ये कहानी था। तो अभी बच्ची की 4 और अभी मैं बैठा हूँ बस स्टॉपेज के पास, तो यहाँ से निकलते हैं और देखेंगे कहीं ऐसा मंदिर मिल जाएगा जहाँ चार्जिंग करने का व्यवस्था हो, वहीं पर आज रुकेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो भगवान जाने, जहाँ भी रुकने के लिए बोल देंगे वहीं पर रुक जाएंगे। तो शाम के बज चुकी है 5 और मैं ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए। तो पीछे का आश्रम था, लेकिन वहाँ पर था कि चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, था लेकिन अंदर था, लेकिन मेरे पास तो बोर्ड नहीं है। इसी चलते मैं आगे निकल गया हूँ, आगे एक और मंदिर है, वहाँ जाकर देखते हैं अगर वहाँ चार्जिंग का व्यवस्था होगा तो रुकेंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों पावर बैंक ना डाउन हो गया है और अगर चार्ज नहीं करेंगे तो कल वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कोई भी हालत में आज मुझे पावर बैंक कम से कम चार्ज करना है तो करना है, तभी कल वीडियो शूट हो पाएगा, तभी मैं आगे हो पाऊँगा, क्योंकि लोकेशन रहता है ना, लोकेशन के अनुसार जाना पड़ता है ना। इसी चलते तो शाम के बज चुकी है 6 और अभी मैं आ चुका हूँ, एक मंदिर है छोटा रुनेचा धाम, और यहाँ रहने का तो बहुत सारा जगह है देख सकते हैं, लेकिन परमिशन लेते हैं और ऐसे भी परमिशन मिल जाएगा लेकिन चार्जिंग के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं किसी तरह तो कुछ कर ही लेंगे। रात भर कम से एक पावर बैंक तो चार्ज कहीं ना कहीं जुगाड़ करके लगा ही देंगे। तो ठीक है, शाम होता है उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है।